भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस होती है वहां करप्शन होता है, जहां करप्शन होता है वहां क्राइम होता है, और जहां क्राइम और करप्शन दोनों हो वहां डेवलपमेंट रुकता है। कांग्रेस क्राइम, करप्शन और डेवलपमेंट रोकने का पर्याय बन गई है। ईडी आईटी को लेकर सीएम बघेल के बयान पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसे ईडी और आईटी का ही सामना करना पड़ेगा। भूपेश सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगने और धोखा देने का काम किया है, इसलिए उनका सामना ईडी और आईटी से हो रहा है। भूपेश बघेल जी राजनीति करना बंद करें। आज पौने पांच सालों में आपने छत्तीसगढ़ की जनता के क्या हालात कर दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता को कितना परेशान किया आपने, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को शराब का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया। आपने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है भूपेश बघेल जी, और छत्तीसगढ़ की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। नवंबर की प्रतीक्षा कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता कि कब नवंबर आए, कमल का बटन दबाकर आपको कुर्सी से बाहर करे, ये छत्तीसगढ़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है। आजकल भूपेश बघेल जी ईडी आईटी और सीबीआई की जाप जप रहे हैं, और दूसरा काम उनका बच गया है चिट्ठी लिखने का। काम तो पौने पांच साल में कुछ किया नहीं, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, घोटाले और भ्रष्टाचार किया। अब ईडी की कार्यवाही हो रही है तो परेशान है। जब आपने भ्रष्टाचार किया नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता क्या है? भ्रष्टाचार में आपकी संलिप्तता नहीं है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? और आपको मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता ने काम करने के लिए बनाया है। अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर डालने की आदत ही आपकी पुरानी है, पौने पांच साल से केवल आप यही कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता को आप पर कोई भरोसा भी अब नहीं रहा। भरोसा तोड़ा है आपने छत्तीसगढ़ की जनता का, और इसलिए ये ईडी और आईटी की कार्रवाई है जो हो रही है, जिसमें जिस प्रकार की संपत्तियां जब्त हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, गिरफ्तार लोगों को जमानत नहीं मिली है, ये बताता है। और आज छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऊपर से लेकर भ्रष्टाचार है। कोयले का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, डीएमएफ का घोटाला हुआ, गौठान में घोटाला हुआ, जमीन में घोटाला, घोटाले ही घोटाले हैं इस सरकार में। और इसलिए ईडी की कार्यवाही जो हो रही है वो तो होनी ही थी।